वेलकम आप सभी का। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जितने भी मेथड यूज किए जाते हैं यह आप सभी को आना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल की केमिस्ट्री पर हैं, किसी भी लेवल की केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं यानी केमिस्ट्री लेवल्स हैं, तो आपको इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सबको अच्छे से आना चाहिए। फिलहाल हम लोग एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो बेहतर है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप इस लेक्चर को देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या है इसका एग्जैक्ट मतलब। फर्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक इसमें है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज की समझ तो सबको होनी चाहिए, है कि नहीं? आप सभी लोग मैक्सिमम जानते भी होंगे परसेंटेज का मतलब, समझते ही नहीं आपको, समझते हैं एग्जैक्ट? जैसे आप में से बहुत लोग ऐसे टेंथ पास कर इलेवेंथ में आ गए हो, इलेवेंथ पास कर ट्वेल्थ चले गए हो, है ना? तो अब आपको कुछ लोग कोई डाउट हो गया आपको? हाँ देखिए, पहले सबसे पहले परसेंटेज की मीनिंग समझते हैं। जैसे कोई टेंथ का बच्चा है, टेंथ पास कर लिया है, आप जानते हो कितने मार्क्स पाए हो, बोलो। अच्छा 420 देखिए 600 इनका था क्या टोटल मार्क्स, टेंथ पास किया इन्होंने सपोज, और इन्होंने गेन किया इसमें से 420 मार्क्स आउट ऑफ 600। अब आपको बताना बेटा कि आपने कितना परसेंट अटेंड किया, कितना परसेंट आपने पाया। तो 600 में से 420 पाया है आपने, तो अगर यह 1 मार्क्स का होता आपका तो कितना पाते, 420 अपॉन 600, इतने तो पाते ना, है कि नहीं? और ये सपोज होता आप कितना, बोलिए 100 का परसेंटेज निकाला है, 100 में क्या करोगे आप, 420 अपॉन 600 इंटू 100, ऐसा करने के बाद आप पाते 70%। ऐसे निकालते सभी लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज जानते हो ना, ऐसे निकाला गया है ना परसेंटेज, यानी परसेंटेज का मतलब वो 100 में कितना पाया है, 100 में कितना कंट्रीब्यूशन है आपका, वही आपका परसेंटेज है। वैसे यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, यानी सॉल्यूशन 100 मान लेंगे, उस 100 में किसी एक कंपोनेंट का, एक घटक का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसे बोलेंगे आप उस घटक का यानी उस कंपोनेंट का परसेंटेज। क्लियर? नहीं कह सकते आप, डिफिनेशन हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। लिख लोगे आप लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट। 100 में कितना है, जैसे आप 100 में कितने मार्क्स पाए, इसे क्लियर? अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे, जो परसेंटेज ऐसे लिख सकते हो आप, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऐसे लिखा रहता है, ऐसे हो गया, यानी कह सकते हो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट, किसी का भी जिसका भी निकालना, वन कंपोनेंट अब टोटल, टोटल जो भी रहे 600 का यहां पे, वैसे टोटल सॉल्यूशन का, यहां पे कंपोनेंट की सॉल्यूशन की बात की जा रही है ना, टोटल सॉल्यूशन कितना है, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे टोटल सॉल्यूशन ये हो गया 600, एक का कंट्रीब्यूशन आपने इतना पाया है, 100 से किया मल्टीप्लाई किया जाता है इसका परसेंटेज, ऐसे आप करते हैं कैलकुलेट, इसे क्लियर है ना? अब परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटे अब इसके क्या यूनिट यूज करोगे ना, मात्रक, जिसके तो यूनिट जब यूज करते हैं तो इस तरह से हम पाते हैं कि तीन तरीके से इसको किया गया है रिप्रेजेंट, समझ तो आएगा, बस अब देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग देखिए इसको लिखते हैं ऐसे, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऐसे बाय मास लिखा रहता है, ऐसे परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है, और परसेंटेज कंसंट्रेशन डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी लिखा हो सकता है, ऐसे एक ये मिल जाता है, सेकंड पे जो है ऐसे मिल जाता है, फर्स्ट हो गया ये, दूसरा है परसेंटेज कंसंट्रेशन, ऐसे कह सकते हो आप,
मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, या इसको ऐसे लिखा पा सकते हो आप, परसेंटेज कंसंट्रेशन डब्ल्यू बाय वी, ऐसा लिखा हो सकता है। लास्ट में आप लिखा पा सकते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, या इसको ऐसे लिखा पा सकते हैं आप परसेंटेज कंसंट्रेशन वी बाय वी, इस तरीके से, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन तरीके से इसको परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया तरीका रिप्रेजेंट करने का, ये सेकेंड मेथड है, और ये थर्ड मेथड है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे पहला नाम दिया गया है परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास। तो आइए हम लोग एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं, सबको यही कर लेते हैं। फर्स्ट आप यहां पे आइए इसके बारे में, है ना। तो यहां पे क्या देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब ये हो जाएगा क्या, बोलिए डिफिनेशन बोल रहे, डायरेक्टली लिखोगे आप लोग। देखिए डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब वेट, एवी वेट पहले वाला होगा, हम लोग ये सोल्यूट को पहचाना है सोल्यूशन में, फर्स्ट को सोल्यूट बाद वाले को सोल्यूशन, यानी कि परसेंटेज में कह सकते हो आप, दोनों वेट के फॉर्म में होंगे। और परसेंटेज में जो यूनिट यूज करते हैं वह सीजीएस की यूज करते हैं, सीजीएस मतलब अगर वॉल्यूम है तो आप यूज करेंगे वहां पे क्या, एमएल मिलीलीटर, वेट है भार तो आप उसे ग्राम बोलेंगे, इस सीजीएस की यूनिट जानते होंगे आप लोग, यानी कि यहां दोनों ग्राम के रूप में होंगे, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा कि कह सकते हो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट, दोनों क्या हो जाएगा, ग्राम में होना चाहिए। इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर दिया गया है परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऐसे लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, बोलिए लिखेंगे आप मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट यूनिट जरूर लिख दीजिएगा ग्राम, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, है ना, ये भी यूनिट ग्राम में होनी चाहिए ऐसे, और 100 से कर देना मल्टीप्लाई, ऐसे देखिए ये हो गया। देखिए ऐसे तो यहां पे डिफिनेशन क्या हो सकती है, मास ऑफ सोल्यूट, डिफिनेशन आप खुद से लिख लीजिएगा, ऐसे हम बोल रहे हैं, देखिए मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास, इज इट क्लियर। यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, यानी जैसे आपने 100 नंबर में आपने कितना गेन किया पाया है वो आपको परसेंटेज है, वैसे 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है उसे बोलेंगे आप इसका परसेंटेज। जैसे अब यहां पे हम इसको हटाते हैं लिखे से, तो इसको आप इसे लिख सकते हो, दिया गया कहीं भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, या यही लिख देते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल यहां पे, अगर आपको दिया गया है 6% यूरिया लिखा है कहीं पे, यूरिया ऐसे, और बाय मास लिखा हो या डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा हो, ऐसे देखिए इसकी मीनिंग आपको समझना होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, 6% यूरिया बाय मास डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यानी कि जो 6% दिया गया है इसमें 6, इसका मतलब ये होता है 6 ग्राम यूरिया जो है 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इट मींस 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब इससे आपको दो चीजें मिल जा रही हैं, ठीक है, सब चीजें अच्छी साइंटिफिक, वजह है कि आपको इसको परसेंटेज देके पूछ सकता है, मोलैरिटी पूछ सकता है, मोलैरिटी पूछ सकता है, हर मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, नॉर्मेलिटी पूछ सकता है, तो सब आपको आना चाहिए, मीनिंग इससे एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए। इससे आपको दो चीज मिल जा रही है, क्या क्या, एक मिल जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 6 ग्राम, हम ग्राम कहां से पकड़ेंगे, वेट से, सीजीएस की यूनिट यूज करते हैं, और यहां पे ये हो जाएगा मास ऑफ, मास ऑफ सोल्यूशन क्या लिख देंगे आप लोग 100 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 6 ग्राम यूरिया यानी सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, क्लियर।
न्यूमेरिकल आगे करेंगे जब सभी यूनिट पढ़ चुके होंगे तो इंटरकन्वर्जन डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पे आते हैं, ये सबको समझ आ गया है। इसके बाद है परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी लिखा है, मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। क्या हम लिखते हैं इस यूनिट को, हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं कैसे, यहां पे ए हो चुका इतना। अब परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय, परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम एंड डब्ल्यू बाय वी, आप समझ जाओगे ना कैसे लिखा हुआ है। यहां पे डब्ल्यू बाय डब्ल्यू था, यहां डब्ल्यू बाय वी है। डब्ल्यू मतलब वेट, वी स्टैंड्स फॉर, यानी वी मतलब वॉल्यूम, यूनिट सीजीएस की यूज करना है तो वेट ग्राम में हो जाएगा, वॉल्यूम एमएल यानी मिलीलीटर में हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है क्यों बताएगा, पहले मास ऊपर ना, ऊपर हमेशा विदे सलूट रहेगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा मास ऑफ सलूट, मास ऑफ सलूट यूनिट ग्राम ही होगी यहां पर भी, डिवाइड कर देंगे आप वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम वी है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट इन मिलीलीटर, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे परसेंटेज में है कि नहीं। बस याद रखिए दिया कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया यहां पे सॉल्यूट कितना है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर सेम अगर ये दिया गया है, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कैसे। अगर यहां पर दिया गया सपोज आपको 6% शुगर दिया गया, माने या यूरिया ही देते हैं ऐसे हम लोग, 6% यूरिया, बस कंसंट्रेशन में यहां डब्ल्यू बाई बी अगर एग्जाम में मेंशन है, सबसे पहले तो आपसे पूछता है इसका इसका मतलब भी क्या पूछ सकता है। देखिए यहां का डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था, यहां डब्ल्यू बाई वी है, वी वॉल्यूम डब्ल्यू वेट, इसका मतलब है 6 वेट हो गया ना, 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है वॉल्यूम, यानी 100 ml सोल्यूशन। यहां भी आपको दो चीजें जा रही है नहीं क्लियर हो गया। परसेंटेज जैसे यहां पे यार कुछ भी बॉटल खरीदते हो, कुछ सामान कुछ भी खरीदते हो, उसके ऊपर उसका परसेंटेज दिया होता है जाहिर है कंट्रीब्यूशन में, ये देखा है क्या देखा। तो यहां पे 6% यहां डब्ल्यू बाई बी का मतलब हो गया बच्चे कि आपको दो चीज यहां भी मिल जा रही है। क्या क्या मिल जा रहा है, एक मिल जाएगा आपको वेट यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। दूसरा वी है मतलब वॉल्यूम है कि नहीं, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख दिया जाए 100 ml। इसको ऐसे बोल सकते हो 6 ग्राम ऑफ यूरिया इट मीन सोल्यूट, 6 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, आसान है ना। थर्ड डिस्कस करते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, थर्ड लिखा है यहां पे ऐसे, देखिए इसको यही डिस्कस कर लेते हैं, यहां इसको लिखते हैं। यहां पे लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज कंसंट्रेशन वी बाई वी, समझिए पहले क्या है, यहां दोनों वॉल्यूम के रूप में वी बाई वी, सलूट भी लिक्विड के रूप में, सलूट भी यहां पे क्या है वॉल्यूम के रूप में है, और सोल्यूशन भी यहां पे वॉल्यूम के रूप में है। यूनिट जानते हो एमएल यूज किया जाएगा, परसेंटेज में ऑलवेज यूनिट इसके सीजीएस की होनी चाहिए। खैर यहां लिखते हैं, हम ऊपर सलूट है, ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सलूट, क्या यूनिट लिखोगे इन मिलीलीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट बोल दीजिए, ये भी होगा एमएल में, 100 से करना होगा मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज है, देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहां पे अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया गया आपको कहीं पे 5% एथिल अल्कोहल सॉल्यूशन दिया गया, एथिल अल्कोहल कितना वी बाई वी के रूप में, ऐसे ऐसे लिखा था अक्सर सॉल्यूशन, जैसे बियर की बोतलों में देखो लिखा था 5% वी बाई वी लिखा रहता है,
तो आप कहीं भी अगर कुछ लिक्विड खरीदते हो उसमें अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या समझेंगे आप, बोलिए, सुन लीजिए तब नहीं बोलेंगे। तो 5% दिया गया है तो इसका मतलब है ये दोनों वॉल्यूम के रूप में, वॉल्यूम मतलब एमएल ही होगा, 5 ml एथिल अल्कोहल मतलब सलूट प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन। यहां भी आपको दो चीज मिल जा रही है, सलूट और सोल्यूशन, डिफरेंस ये है जैसे कि यहां दोनों वॉल्यूम के फॉर्म में, यहां पे आपको दो चीजें यहां भी मिल जा रही है, एक तो मिल गया आपको सलूट कितना 5 ml, दूसरा मिल गया आपको सोल्यूशन कितना 100 ml, कितना 100 ml है ना, क्लियर, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml, इट मीन 5 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कोई डाउट है किसी के परसेंटेज में, कोई डाउट हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट में, दोबारा डिस्कस किया जाएगा। एक खास बात और आप ध्यान दीजिएगा इसमें, कभी पूछ देता है कि ये तीनों परसेंटेज की जो कंसेंट्रेशन की यूनिट है इसमें किस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है, जो सभी यूनिट्स हैं सभी पे पूछ देता है किस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर डायरेक्ट अफेक्ट होता है वॉल्यूम, टेम्परेचर डायरेक्ट क्या अफेक्ट करता है वॉल्यूम, तो जिस यूनिट में जिस टर्म में वॉल्यूम यूज किया गया होगा वो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे, और जिसमें वॉल्यूम यूज नहीं किया गया होगा, ध्यान सुनिए, जिसमें वॉल्यूम नहीं यूज किया गया है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तीन तरह से परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस पे देखिए पहले में वॉल्यूम यूज नहीं किया गया W/W है, इसका मतलब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे वाले में देखिए इसमें वॉल्यूम यूज किया गया है ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। थर्ड में देखिए वॉल्यूम नहीं है ये भी अफेक्ट होगा, इन फर्स्ट वाला परसेंटेज W/W दिया गया है टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर।